कोहिनूर ईरान कैसे पहुंचा? तो बात 12 मई 1739 की है। दिल्ली में जश्न चल रहा था, गरीबों में शरबत पान खाना बट रहा था। वही मुगल दरबार में नाच गाना चल रहा था। एक तरफ ईरानी बादशाह नादिर शाह बैठा हुआ था तो दूसरी तरफ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बैठा हुआ था। 56 दिनों तक दिल्ली और मुगलों के जमाए हुए सारे खजिनों को लूटने के बाद नादिर शाह आज जाने वाला था वापिस ईरान में, और जाते वक्त मोहम्मद शाह को अपनी गद्दी वापिस करने वाला था। लेकिन कुछ दिन पहले नादिर शाह को दिल्ली के एक तवायफ, एक नाचने वाली नूरबाई से पता चला था कि तुमने जितनी लूट की है उससे कई ज्यादा महंगी चीज मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने पगड़ी में छुपा कर रखी है। बस ये बात ध्यान रखकर नादिर शाह ने जाते वक्त एक चाल चली और मोहम्मद शाह को कहा कि शाह, ईरान में एक रस्म मनाई जाती है जहाँ पर खुशी के मौके पर आपस में पगड़ी बदली जाती, तो आज ये मौका बहुत बड़ा है, हम भाई भाई बन गए हैं, तो क्यों ना आपस में पगड़ी अदला बदली की जाए। इस पर मोहम्मद शाह कुछ बोल नहीं पाया और अपना सर झुकाए हुए अपनी पगड़ी उतार कर नादिर शाह के सर पर चढ़ा दी और नादिर शाह की पगड़ी अपने सर पर चढ़ा ली।